अस्सलामुअलैकुम। खुद केक बनाना महंगा पड़ गया। चचा आज़ाद का केक बनाने का वाक़या। चचा आज़ाद एक बड़े सरकारी अहदे पर फ़ाइज थे। एक दिन इतवार को हैरत अंगेज़ तौर पर सुबह ही सुबह उठ गए। इनकी बेगम और बच्चे सो रहे थे। आज केक खाने का दिल चाह रहा था। बेगम सो रही थी और अभी सब दुकानें भी बंद थी। आखिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही केक बना लें। बस ये ख्याल आते ही वो खड़े हुए और बावर्ची खाने की तरफ लपके। उन्होंने पहले इधर उधर निगाहें दौड़ाईं, फिर आगे बढ़कर पकवान की तरकीबों वाली किताब उठाई। उन्होंने इसमें से केक बनाने की तरकीब निकाली और अशिया के नाम पढ़ने लगे। पहले नंबर पर मैदा लिखा था। नज़र कमज़ोर होने की वजह से मैदे की जगह बेसन निकाल लिया। अब इनको अंडा दरकार था। अंडा निकाल कर इसे तोड़ने ही वाले थे कि वो इनके हाथ से छूटकर ज़मीन पर जा गया और अंडा जो है उन्होंने दूसरा अंडा जो है वो निकाल लिया। अब उन्होंने इसी पिसी हुई चीनी को और कोको पाउडर को की तलाश शुरू की। बस चीनी तो मिल गई मगर पाउडर कोको पाउडर ना मिला। तंग आकर उन्होंने इसकी तलाश करना तर्क किया और पिसी चीनी का पैकेट उठाकर इसे पतीले में डालने लगे। मगर इनकी नज़रें इस वक्त पतीले के बजाय किताब पर थी, जिसका नतीजा ये निकला कि आधी से ज़्यादा चीनी नीचे गिर गई। उन्होंने इसे साफ करने की ज़हमत ना की। अब बेकिंग पाउडर की तलाश में थे, वो तो ना मिला, लेकिन सिरके को अरके गुलाब समझ कर पतीले में डाल दिया। पैकेट खोलने अचानक इनको याद आया कि वो तेल डालना तो भूल गए हैं। ये याद आते ही वो तेल की तरफ लग गए और इसका पैकेट उठा लाए। पैकेट खोलने के दौरान ही वो फट गया, आधा तेल नीचे बह गया, बाकी पतीले में उलटा दिया। इसके बाद उन्होंने इस सब मेज़े को बनाया और पतीला उठाकर ओवन की तरफ लग गए। मगर इसी वक्त नीचे पड़े अंडे और गिरे हुए तेल से इनका पाँव पूरी तरह फिसला और पतीले में समेत गिर पड़े। इनकी चीख सुनकर बेगम बड़बड़ा कर उठी, बावची खाने की तरफ भागी। मगर बावची खाने में दाखिल होते ही इनके मुंह से चीख निकल गए। इसी वक्त वो जगह बावची खाने कहलाने के लायक नहीं थी। ये क्या 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 आपने अब आप खुद ही सफाई करेंगे वरना आज खाना नहीं मिलेगा, उन्होंने गुस्से से धमकी दी। चचा ये धमकी सुनकर फौरन उठे और मगर जब बावची खाने की हालत देखी तो वो चकरा गए। और अगर इनकी बेगम को पता चल जाता उन्होंने केक बनाने के लिए पतीले में क्या क्या डाला है तो इनका ख्याल यही होता कि ये केक खाने के नहीं बजाय गिराने के ही काबिल था। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।